वही धमतरी भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक धमतरी के हरदेहा साहू समाज भवन में आयोजित की गई, जिसमें शामिल होने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रभारी मंत्री ने बैठक के दौरान संगठन की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेसी हार के कारण अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन विष्णुदेव साय सरकार की 6 महीने का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, जिला कार्य समिति की बैठक है। बैठक में प्रदेश से जो निर्देश आदेश जो मिला है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और इस बैठक के माध्यम से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी दे रहे हैं कि उनके जनहितकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के कारण हमारे प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की विकसित सरकार बनी है। इसके लिए मोदी जी को इस बैठक के माध्यम से धन्यवाद प्रेषित कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव में करारी हार और लोकसभा चुनाव में करारी हार के कारण कांग्रेस जो है बौखला गई है, कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। अभी हमारा छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा हुआ है। ये हिंदुस्तान का पहली सरकार है जो बहुत ही कम समय में मोदी जी के गारंटी को यानी हमारे विधानसभा चुनाव की घोषणा को धरातल पर लाया है और हर योजनाओं को धरातल पर ले गया है। ये पहली सरकार है।